क्या? पर तुमने तो कहा था तुम्हारा समाज सक्षम मोर्चा कुछ भी कर सकता है। राघव, ठीक है, वहिनी, आपने मेरी बेटी पर जो कीचड़ उछाला है ना, उसी कीचड़ के दाग अगर मैंने आपके पल्लवी के दामन पर ना लगाए ना, तो मेरा गोरा रंग काला पड़ जाए। मैं तो पहले ही बोली थी शारदा जी को, बहू को इतनी आजादी मत दो। अब देख लो। एकदम सही कहा तुमने। न जाने अब मानसी का क्या होगा, मेरी बेटी की शादी होती तो मैं फौरन कैंसिल कर देती। कौन करेगा ऐसे घर में शादी? बाबा, ये देखिए, कल मैं ऐसे ही कुछ फोटोज देख रही थी तो मुझे मंडप नजर आया। सुंदर है ना, एकदम तेलुगु स्टाइल। हम ना मानसी की शादी में भी ऐसा ही मंडप लगाएंगे। आपने जैसा कहा था मैंने उसे बता दिया है कि हमें मानसी की शादी में ना एकदम इम्पोर्टेड और यूनिक लाइट्स ही चाहिए, वो प्लेन मिर्ची लाइट्स नहीं चलेंगी। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और आप लोग मेरे पास देख भी नहीं रहे। सालों से लोगों की बातें सुनते आ रही हूँ लेकिन मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन आज मुझे मेरे अपने ही पर आया कर रहे हैं। और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं मानसी की शादी में नहीं रहूंगी। दादा के साथ कोल्हापुर जा रहे हैं। मानसी की शादी और उसकी खुशियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है, और ये मैं भी जानती हूं और आप सब भी, कि जो मुझ पर इल्जाम लगे वो सरासर झूठ है, लेकिन हमारे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिना सबूत के दुनिया चुप नहीं रहेगी, और अब मैं तभी वापस आऊंगी जब मेरे पास सच में कोई सबूत होगा। बिल्कुल सही फैसला लिया है तूने पल्लवी, चल हम आज ही कोल्हापुर निकल जाएंगे। नहीं मानसी, तू कुछ नहीं बोलेगी, तुझे मेरी कसम है। बल्लू, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं आई, आज आपकी पल्लवी को उसकी सच्चाई साबित करने की जरूरत है। राहुल भाऊजी गौरी पूजा के लिए आते ही होंगे, मैं उसके पहले चली जाऊंगी। Thank you.
अच्छा लग रहा है ना सबको? पड़ गई ना कलेजे में ठंडक। अरे कैसे माँ बाप है हम, कैसा परिवार है हमारा, घर के बच्ची से उसकी इज्जत का सबूत मांग रहे हम लोग, शर्म आनी चाहिए हम सब। घर के बच्ची के चरित्र के ऊपर दाग उछालने से पहले ना हम सबको डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए हम सब। पल्लवी चले, आप क्यों जा रहे हो दी? प्लीज मत जाओ ना। निखिल मुझे इस बार जाना ही पड़ेगा, लेकिन आई प्रॉमिस मैं वापस आऊंगी। लेकिन दी आपके बिना शादी में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, आपको पता है। किसने कहा तुझे कि मैं शादी में नहीं रहूंगी? तू सारे रस्मों की वीडियोस भेजेगा मुझे, तुम सब लोग यहाँ से एंजॉय करना, मैं वहां से एंजॉय करूंगी। ये कुछ पैसे हैं दीदी, आप मुझे मना नहीं कर सकते, आपको मेरी कसम है। आज तक आपने मेरा इतना ध्यान रखा, अब मेरी बारी है। पहले कि वो लोग तुझे देखे, यहां से जा, और हां पीछे के डोर से जाना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।